जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन। हाल ही में भारत की लोकसभा के अंदर देश के जाने माने दिग्गज नेता असुद्दीन ओवैसी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान एक ऐसा नारा लगाया है जिससे भारत के रिलेशन इजराइल और अमेरिका जैसे देशों से खराब हो सकते थे। यह दुनिया में पहली बार है जब सदन के अंदर किसी ने इस तरह की हरकत की हो। ओवैसी के इस कदम से दुनिया में भारत की छवि खराब हो सकती थी। ओवैसी ने सदन के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया, जिसे आप भी सुन सकते हैं। नहमद हु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फाऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं असदुद्दीन ओवैसी, जिसे लोकसभा का रुकन मुंतखब किया गया है, अल्लाह के नाम से हल्फ उठाता हूँ कि मैं भारत की आइन पर, जो क़ानून के मुजब तय पाया है, एतिकाद रखूँगा, उसका वफादार रहूँगा। मैं भारत के इख्तदार आला और सालिमियत को बरकरार रखूँगा और जिस ओहदे को मैं संभालने वाला हूँ, इसके फ़राइज़ और वफादारी से अंजाम दूँगा। जय भीम, जय मीम, जय तेलंगाना, जय फलस्तीन, तकबीर, अल्लाहु अकबर। ओवैसी का यह वीडियो भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में वायरल हो गया है। हालांकि इजराइल की तरफ से इस पर अभी कोई बयान नहीं आया है। इजराइल के साथ भारत के रिलेशन अच्छे हैं, इस कारण हो सकता है कि इजराइल इस घटना को नजरअंदाज कर दे। ओवैसी का यह बयान सदन की कार्रवाई में नोट नहीं किया गया है। जब ओवैसी से पूछा गया कि उन्होंने सदन के अंदर फिलिस्तीन का नारा क्यों लगाया, तो उन्होंने कहा कि फिलिस्तीन में लोगों के साथ बर्बरता हो रही है और इसकी आवाज उठाना कोई गलत नहीं है।